Dear students, in this module, we are going to talk about the bureaucracy and its key characteristics. A bureaucracy is a very important aspect of formal organizations. Uh, a lot of content is available on the structure and functioning of bureaucracy when it comes to the field of sociology, thanks to the German sociologist Max Weber. Who has defined its formal structure formal organization and the functions of a bureaucratic structure so let us first see that how bureaucracy can be defined it refers to a type of formal organization characterized by hierarchical structure and specialized functions the so, two key characteristics johan bureaucracy co-defined help एक तो ये कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो हेरार्कल होता है टॉप टू बॉटम होता है ये नहीं हो सकता कि सारी जो सोशल पोजीशंस हैं वो एक ही जैसी अहमियत रखती हैं एक ही तरह का स्टेटस रखती हैं दैन स्पेशलाइजेशन है इंपॉर्टेंट फंक्शन स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर के अंदर मुख्त लोग जो हैं वो अपने अपने फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं माइन्यूट स्पेशलाइजेशन की बदौलत जो है उसमें वर्क एफिशिएंसी को अचीव करना एक मकसद होता है सो की करैक्टरिस्टिक्स इसके जो हैं वो क्लियर डवेन ऑफ लेबर है काम की तकसीम बड़ी वाजे होती है ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द एक दिन या एक हफ्ते आए तो उससे एक काम लिया जाए उसके बाद दूसरे हफ्ते में जो है उसको आउट ऑफ द वे जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंटायरली एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना पड़े तो टास्क जो होते हैं वो उसकी स्पेशलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर असाइन किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी को अगर एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करें तो उसमें अगर कोई स्पेशलाइज्ड टीचर है इन द फील्ड ऑफ साइंस लाइक नेचुरल साइंस फॉर एग्जांपल बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो उसको सिर्फ उसी को पढ़ाने को कहा जाएगा ये नहीं हो सकता कि उसको ये कहा जाए कि आज आप सोशल साइंसिस कोर्स ले लें नेक्स्ट डे जो है वो आप बायोलॉजी या फिज़िक्स पढ़ा दें तो स्पेशलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि आपकी उस डिवीजन ऑफ लेबर को डिटरमिन करती है दैन द फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स उस ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के फॉर्मल रूल्स होते हैं रिटन रूल्स होते हैं प्रोसीजर्स जो हैं वो वेल well डिफाइंड होते हैं ये नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट टू चेंज हों कि किसी एक फ़र्द के लिए जो है वो डिफ़रेंट रूल्स बना दिए जाएं और दूसरे फर्द के लिए सेम कॉन्टेक्स में डिफ़रेंट रूल्स बना दिए जाएं। फिर मेरिट बेस्ड प्रमोशंस एक ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर का ख़ासा होती है मेरिट से मुराद ये है कि उसकी एफिशिएंसी या उसकी वर्क परफॉर्मेंस या उसके जो डिटर्मिन टास्क होते हैं जो परफॉर्म करते होते हैं उनको मद्द रखते हुए उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखा जाता है देखा जाता है कि हाउ दैट पर्सन परफॉर्म्ड इफ़ ही परफॉर्म्ड वेल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और फॉर अ फॉर हिज डिटर्मिन टास्क तो उसको फिर जो है नेक्स्ट कैडर में प्रमोट करने के लिए कंसिडर किया जाता है डिपेंड करता है कि उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं जिनकी बुनियाद पे उसको वो प्रमोशन पर, पर, मिल सकती है लेकिन ये प्रमोशंस जो हैं ये मेरिट बेस्ड होती हैं देन एक्सपर्टीज़ हैं स्पेशलाइजेशन है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कैसे स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी डवेन ऑफ लेबर को डिटरमिन करती है और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें इम या इम होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आ, किसी इमोशन बेस्ड रिलेशनशिप के ऊपर आपको आ, ट्रीट नहीं किया जाता ये नहीं देखा जाता कि अच्छा चूँकि ये मेरा कोई रिलेटिव है कोई रिश्तेदार है तो इसकी बुनियाद के ऊपर मैं इसको स्पेशली ट्रीट कर सकता हूँ बल्कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इम्पारशटी जो है वो रिटर्न रूल्स से डिटरमिन होती है अगर रूल्स के अंदर ये प्रोविजन मौजूद होगी कि एक सर्टन लेवल ऑफ ग्रेड अचीवर को डिग्री मिलनी चाहिए तो उस बुनियाद के ऊपर उसको यूनिवर्सिटी की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिग्री इशू कर सकेगी चाहे वो इंडिविजुअल जो है वो किसी का रिलेटिव हो किसी का क्लोज रिलेटिव हो या इमोशन बेस्ड रिलेशनशिप हो इसकी बुनियाद के ऊपर ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि क्या उसको डिग्री मिलनी चाहिए या नहीं बल्कि वो इम्पारशाली ये डिटर्मिन करती है कि अगर रिटर्न रूल्स जो हैं वो उस अलाउ करेंगे उसको उस डिग्री को को देने में तो फिर उसको डिग्री मिल सकती है अदरवाइज ही और शी वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट डिग्री इन इन द सेम प्रोसेस डिफरेंट फॉर्मल ऑर्गनाइजेशनस जो हैं वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए रिटर्न रूल्स को आ, देखते हुए इसी इम्पारशालिटी को डेमोस्ट्रेट करती हैं पाकिस्तान में हम डिफरेंट फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन की अगर मिसाल लें तो सिविल ऑर्गेनाइजेशन हैं सिविल सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है या यूनिवर्सिटी है तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन के अंदर मौजूद ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर के इस अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें हाउ इम्पोर्टेंट अ ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर इज़ तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू इंश्योर द एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी स्टेबिलिटी एफिशिएंसी से मुराद ये है कि वो जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर किया जाता है जो कि किसी एक टास्क के अंदर स्पेशलाइज होते हैं इससे क्या होता है कि वो काम जि, जिसको करने में शायद महीनों या हफ्तों रिक्वायर्ड हों वही काम जो है फॉर्मल ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन में जब स्पेशलाइज लोगों के हाथों हो रहा होगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उस काम के करने में जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा वो उसकी नस्बत जो है वो फार लेस हो जाएगा इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी है जो अगर ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर ना हो रिटर्न रूल्स ना हो तो कोई भी शख्स अपने काम के हवाले से अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकेगा अकाउंटेबिलिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड देन द स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट ऑपरेशन स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम एक फॉर्मल ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर के अंदर हों क्योंकि अगर इनफॉर्मल होगा रिटर्न रूल्स नहीं होंगे तो उसमें स्टेबिलिटी uh, के चांसेस बहुत कम होंगे रिटर्न रूल्स जो हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्यूरोटिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वाइल अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ formal organizations.